साथियों, बीते 7 सालों में महिलाओं के हित में जो भी योजनाएं चली हैं, उनका स्पष्ट प्रभाव आज जमीन पर दिख रहा है। गांव गांव में शौचालय इज्जत घर बनने से, और मैंने देखा, मुझे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आशीर्वाद मेरी माताओं बहनों ने दिए हैं। इज्जत घर से वो मुझे अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह हमेशा मेरी माताएं बहनें आशीर्वाद देती रही है। मैं इन माताओं बहनों के लिए जितना काम करूं उतना कम है, उतने आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, टीकाकरण अभियान गरीब के घर तक पहुंचना, गरीब की जिंदगी बचाने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा अभियान रहा। मैंने देखा, चुनाव की इतनी आपाधापी में भी योगी जी आज भी अस्पताल जाना, डॉक्टरों से बात करना, टीकाकरण को बढ़ाना, आज भी दिन रात उस काम को कर रहे हैं। क्यों? हमारे लिए गरीब से गरीब की जिंदगी भी बचाने का हमारी कोशिश है। अस्पताल में डिलीवरी की संख्या बढ़ने से, गर्भ के दौरान पोषण के लिए हजारों रुपये की मदद से माताओं बहनों बेटियों का स्वास्थ्य अब ज्यादा बेहतर हुआ है। पहले बहनें अपनी बीमारी छुपाती थी, इसलिए नहीं कि कुछ बुरा था, लेकिन माताओं बहनों के दिल में रहता था कि बीमारी का पता चलेगा, डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, खर्च बढ़ जाएगा, बच्चों पर बोझ हो जाएगा, कर्ज बच्चों के सर पे पड़ेगा, बच्चों के सुख के लिए, घर के लोगों के सुख के लिए मेरी माताएं बहनें पीड़ा सहन करती थी, लेकिन अस्पताल में जाकर के उपचार नहीं करवाती थी। ये पीड़ा मैंने देखी, मैंने समझी, और इसलिए हमने 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मेरे देश के गरीब भाई बहनों को मिले, उत्तर प्रदेश की मेरी माताओं बहनों को मिले, इस काम को हमने आगे बढ़ाया। ये शुरू हुआ तब से हमारी बहनें जो अब तक बीमारी सहती थी, बच्चों पर बोझ नहीं होने देती थी, वे आज अपना इलाज कराने के लिए आगे आ रही है। और मुझे अपने जीवन में इतना संतोष मिल रहा है कि मेरी ऐसी गरीब माताओं बहनों उनके संतानों को अगर कोई बीमारी आ जाए तो आज मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ, योगी जी उनकी सेवा कर पा रहे हैं। भाई और बहनों, इतने दशकों तक हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक जैसी कुरीति में जकड़ कर रखा गया था। अब मुस्लिम बहनों के विरुद्ध ऐसे कदम उठाने वाले 100 बार सोचते हैं। मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का एहसास हुआ है, और कभी कभी लोगों को लगता है कि 3 तलाक के खिलाफ मैंने जो कानून बनाया है उससे बहनों को तो अच्छा लगा, लेकिन पुरुष नाराज है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, 3 तलाक के कारण अगर कोई बेटी घर वापिस आती है तो पीड़ा पिता को होती है कि नहीं होती है? पीड़ा भाई को होती है कि नहीं होती है? पीड़ा माता को होती है कि नहीं होती है? मैंने 3 तलाक के कानून को खत्म करके ऐसे लाखों पिताओं को आश्वस्त किया है, ऐसी लाखों माताओं को आश्वस्त किया है, ऐसे लाखों मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त किया है कि अब उनकी बेटी अचानक वापस नहीं आएगी, वो सुख चैन से अपना जीवन बिता पाएगी। मैंने सारे परिवार के सुख की चिंता की है,
मैंने वोट की चिंता नहीं की है, मैंने आपके सुख की चिंता की है। मेरी माताएं बहनें, मेरे इस काम को, इस साहस को आलोचनाएं झेलने के बावजूद भी मैंने आपके कल्याण के लिए काम किया है। और मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज के कुछ समझदार लोग मेरे साथ खड़े रहे, मेरे पक्ष में खड़े रहे। और मेरी मुस्लिम माताएं बहनें तो मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी, बहुत बड़ी ताकत दी, और उसके कारण आज मैं आपको इस संकट से मुक्त करा पाया हूं। मेरे भाइयों बहनों, बेटे और बेटियों की शादी की उम्र बराबर करने का लाभ भी मुस्लिम बेटियों को बहुत अधिक होगा। अब मुस्लिम बेटियां अपने कैरियर पर ध्यान दे पाएगी। ऐसे काम जब मुस्लिम बेटियां बहनें अनुभव करती हैं, तब जाकर वो कमल के फूल को चुन करके आती है। मैं बेटियों से आग्रह करूंगा कि वो बेखौफ होकर अपना पैशन फॉलो करें, जो उनके मन में है उस रास्ते पर चल पड़े, उनके लिए भी प्रगति इंतजार कर रही है। डबल इंजन सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है।